घंटाघर चौराहे पर स्थित छोटी गोपाल मंदिर में मकान मालिक ने किरायेदार की दुकान पर ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। आज किरायेदार ने पुलिस की मौजूदगी में दुकान पर फिर कब्जा किया। इस दौरान विवाद की स्थिति भी बनी। शहर की व्यस्तम इलाके घंटाघर के समीप गोपाल मंदिर कॉम्प्लेक्स है, जहां मकान मालिक और किरायेदार के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, जिसके चलते यहाँ आए दिन विवाद की स्थिति बनती रहती है। आज फिर एक नया मामला सामने आया, जिसमें मकान मालिक ने एक दुकान के ताले काटकर रातों रात कब्जा कर लिया और उसमें कबाड़ का सामान दिया। इसकी शिकायत किरायेदार द्वारा माधव नगर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है, जिस पर आज पुलिस की मौजूदगी में किरायेदार ने फिर से अपनी दुकान पर कब्जा कर लिया। इस दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मकान मालिक ने दुकान की छत से किरायेदार और उसके साथ आए लोगों पर जमकर पत्थर बरसाए। दुकान मालिक जयसेन के मुताबिक उनकी दुकान में 2 लाख रुपए का माल और 20,000 रुपए नगद रखे हुए थे, वो भी गायब है। वहीं अन्य किरायेदार ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि मकान मालिक काली कोट का नाजायज फायदा उठा रहा है। उज्जैन से मनीष सोनी की रिपोर्ट। बताएं क्या विवाद? कोई विवाद नहीं है, मैं दुकान चलाता हूँ, संचालन करता हूँ। मैं 8 तारीख को रात्रि 9 बजे अपनी दुकान मंगल करके ताले लगा के अपने घर गया था। 10 तारीख को मैं आया तो उसने अपने मेरे ताले काट के अपने ताले डाल लिया। इसकी रिपोर्ट मैंने माधवनगर थाने में दी। थानेदार ने कहा कि आप ताले काट कर अपने ताले लगाओ। मैंने कल आके यहाँ पर अपने ताले लगाए और आज इसने फिर मेरे ताले काट के और यहाँ पर अपना एक ताला लगा लिया, कुंडे काट लिया और ये सामान भर लिया, कब्जा कर लिया। और मेरा कम से कम 2 लाख का सामान पड़ा हुआ है। इसमें गले में 20,000 रुपए पड़े थे, वो सब गायब है। क्या सुनील यादव ने करा? सामाजिक तत्व ही है, कब्जा धारी है। मेरा नाम जयेश कुमार जैन। मेरा गाय का विवाद, मेरी तो दुकान है, किरायेदार है। 50 साल से दुकान है, किरायेदार है हमारे। अब इन सब किरायेदार नदी के पत्थर तोड़ दिए, वो चुरा लिए, ओटना तोड़ दिया, उसका पत्थर चुरा लिए और दुकानों के आसपास खतरा लिख दिया उसने। और दिन भर यही काम है, पिछले 7 साल से गाली गुप्ता करना और परिवार को धमकी देना, हमको जान से मारने की धमकी देना, ये चल रहा है उसका कार्यक्रम। साहब ये जन्म जिसका पैदल है उसके पहले से हमारी दुकानें यहाँ पे है। और ये पूरा स्वच्छ भारत को देख लो आप, गाय ढोर सब बांध दिया, गोबर रोज उठाना पड़ता हमको। और 13 केस लग रहे हैं, तो अर्जन एक्ट लगा हुआ है। सब केस लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज इसकी ये हिम्मत बढ़ गई है कि ताला तोड़ के नीचे से ये सामान और नकद और ये सब डकैती कर। पहले महेंद्र जैन की दुकान भी इसी तरह तोड़ी इसने, वो भी डकैती का केस लगा हुआ है। तो कार्रवाई नहीं होने के कारण, और ये काला कोट का गुंडा है, कृपया इस पर कार्रवाई की जाए। पूर्व पार्षद एक दुकानदार।